हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुवैत में सिंगल रूम लेके अगर आपको रहना है तो आपका कुवैत में महीने का खर्चा कितना आएगा, आज के वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये सवाल हमेशा मिलता रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुवैत में जाके सिंगल रूम लेके अपना खुद का रहूंगा, खुद का खाना खाऊंगा, सब कुछ अपना पैसा से ही करूंगा, तो उसमें खर्चा कितना आएगा। क्योंकि वो खर्चा का हिसाब से ही वो लोग अपना सैलरी डिसाइड करके कुवैत में आना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुवैत में आके वो सिंगल रूम लेके रहे, अपना प्राइवेटली बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक साथ रहना वो भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अपना प्राइवेसी नहीं रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपना खुद का रूम लेके कुवैत में रहना चाहते हैं। जिनके लिए वो जानना चाहते हैं कि कुवैत में जो खर्चा है रूम रेंट का वो कितना आता है, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। कुवैत में आपको सिंगल रूम भी मिलता है, आपको पार्टीशन रूम भी मिलता है, एंड ऑल्सो आपको फ्लैट भी मिलता है। सबसे पहले मैं पार्टीशन का बात करूंगा। पार्टीशन मतलब एक रूम को दो या तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, आपको अलग अलग पार्टीशन करके दिया जाता है। आपको सिंगल रूम का जैसा ही लगता है लेकिन वो पार्टीशन है, मतलब एक ही रूम को दो तीन रूम बना दिया गया है। अगर ऐसे रूम पे आप अगर रहना चाहेंगे तो उसका जो प्राइस होता है, जो रेंट होता है, वो रेंट आता है, लोएस्ट में बात करूंगा तो 40 KD में मिल जाता है। अगर 40 KD आप लोग इंडियन का रेट में हिसाब करके चेक कर सकते हैं तो उससे थोड़ा बेटर मिलता है 60 KD में, एंड उसका ऊपर आप जाएंगे तो आपको 80 KD में मिल जाएगा अच्छा पार्टीशन। ये हो गया पार्टीशन का। अभी बात करेंगे सिंगल रूम का। कुवैत में अगर आपको सिंगल रूम लेके रहना है तो आपका रूम रेंट आएगा लाइक स्टार्टिंग 100 KD से शुरू होता है। 100 KD में आपको मिल जाएगा, इतना खास नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। 120 KD में आपको थोड़ा अच्छा रूम मिल जाएगा, सिंगल रूम, आप एक ही रूम पे आप रह सकते हो, आपको सिंगल रूम मिलेगा 120 KD में। एंड ऑल्सो इससे बेटर रूम में आप रहना चाहेंगे सिंगल रूम में तो उसका ऊपर भी आए। मैं आप लोगों को बस एक आइडिया दे रहा हूँ, 120 KD में भी अच्छा रूम मिल जाता है सिंगल रूम। अगर पार्टीशन है तो मैंने ऑलरेडी बताया पार्टीशन में कैसा होता है, एक रूम को दो तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसी एक रूम पूरा रूम अगर आपको चाहिए तो 120 KD 130 KD में आप लोगों को मिल जाता है। एंड अगर आप लोगों को फ्लैट में रहना है, फ्लैट लेके पूरा फ्लैट को, तो एक फ्लैट का मतलब दो रूम मिल जाता है या तीन रूम मिल जाता है विथ एक हॉल मिल जाता है, उसके बाद किचन बाथरूम दो बाथरूम मिल जाता है। तो पूरा मिला के पूरा फ्लैट चाहिए तो आप लोगों को 280 KD 300 KD में लगभग ऐसा अमाउंट में मिल जाता है। बहुत सारे अगर अच्छा लेंगे तो आप लोगों को पता है ज्यादा प्राइस लगेगा, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप में से जितने सारे लोग कुवैत में आके सिंगली, अगर आप सिंगल है तो आप पार्टीशन में रह सकते हैं। जैसे मैंने पार्टीशन का बताया 40 to 60 KD में आपको अच्छा पार्टीशन मिल जाएगा। लाइक पकड़ लीजिए आप लोग 60 KD में, 60 KD में आपको बहुत ही अच्छा पार्टीशन मिल जाएगा, आप रह सकते हैं अपना पर्सनल लेके। एंड खाने का अगर बात करूंगा तो खाने में जो महीने का खर्चा आता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप लोगों को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर एग्जैक्टली आपको अकेले में खाना बनाना है, अकेले में सब कुछ करना है, आपको अकेले खर्चा करना है, या आपको बाहर में हर महीने का पूरा 30 days आपको बाहर में खाना है, उसमें कितना खर्चा आएगा, आप लोगों को अगर डिटेल्स में जानना है तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। उसका ऊपर मैं आप लोगों को एक डिटेल्स में वीडियो दे दूंगा। जैसे अगर आप लोगों को रूम पे बना के खाना है महीने का अकेला, या आप लोगों को रेस्टोरेंट में जाके पूरा महीना बाहर का खाना है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, मैं आप लोगों के लिए जरूर एक वीडियो बना के दूंगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाने का जो रहने का जो खर्चा आएगा अगर सिंगली तो कितना आ सकता है। तो ये बस मैंने एक आइडिया दिया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इनके आसपास ही रहेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।